हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेब टेक जोन। आज हम सीखेंगे दोस्तों हाउ टू बैकअप गूगल अकाउंट्स टू योर एंड्रॉयड फ़ोन। आपके गूगल में बहुत सारे बैकअप्स है, आपके फ़ोटोज से, वीडियोस से, कॉन्टैक्ट से, वो कैसे बैकअप लेना है दूसरे फ़ोन में। अगर आपने नया फ़ोन लिया है या आपका पुराना फ़ोन लॉस हुआ है या ख़राब हुआ है तो कैसे बैकअप लेना है, हर एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो भी नए लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। और दोस्तों आपके एक सब्सक्रिप्शन से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो दोस्तों जाते हैं पहले फ़ोन पे डायरेक्ट। तो दोस्तों ये मेरा फ़ोन है और यहाँ पे अगर आपका ये समझो जूना ओल्ड फ़ोन है, ओके, और आपको नए फ़ोन में गूगल के सब बैकअप्स लेने हैं, तो ओल्ड फ़ोन में आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको दो तीन एप्लीकेशन बताऊँगा। पहले फ़ोन बैकअप कर लेते हैं। चलो सेटिंग में जाऊँगा मैं। सेटिंग में आपको अपने फ़ोन में हर एक फ़ोन की सेटिंग्स अलग रहती है लेकिन सेम रहती है, उसके ऑप्शन ऊपर नीचे रहते हैं, तो आपको अपना बैकअप ढूंढना है। तो ये देखो मेरा गूगल में है, आपका मे बी अकाउंट एंड बैकअप में रहेगा या सिस्टम में रहेगा, तो मैं गूगल में जाऊँगा। ओके, तो गूगल में मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर मुझे गूगल अकाउंट ऐड करना होता है, जो जिस भी गूगल अकाउंट में मैं बैकअप लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बैकअप का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको ये बैकअप ऑन रखना पड़ेगा। दोस्तों ये बैकअप ऑन रखना पड़ेगा आपको। ये ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ता है, जो भी ईमेल आईडी में आप गूगल अकाउंट में बैकअप लेना चाहते हो। अगर आपको फ़ोटो चाहिए तो इसको भी ऑन करना पड़ता है। ये वाईफाई का सेटिंग है, मतलब वाईफाई ऑन रहेगा तो ही आपका बैकअप हो जाएगा। तो आपका बैकअप बहुत बड़ा है तो वाईफाई ऑन कीजिए और वाईफाई में ऑफिस के या आपके दोस्त के या घर से वाईफाई को ऑन करके वो बैकअप ले लीजिए। फ़ोटोज़ भी लेना है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ़ोटोज़ के लिए मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ, आपको लेना है तो ले सकते हो। तो ये बैकअप होने के बाद आपको नए फ़ोन में यही ईमेल आईडी डालना है। कहाँ पर? आपको गूगल में जाना है, ये वाले गूगल में, ओके, और यहाँ पर सेटिंग्स में जाइए और दोस्तों नए फ़ोन में आपको क्या करना है, सेम आपको बैकअप का डेटा ढूंढना है। ओके, गूगल में जाइए और यहाँ पे जो ईमेल आईडी होता है फर्स्ट, यहाँ पे आपका वही ईमेल आईडी आना चाहिए जिसमें आपने बैकअप लिया था। वो ईमेल आईडी डालने के बाद आपका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, सब डेटा रहता है जो बैकअप लिया था आपने, वो सब अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाएगा। आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज का सेटिंग आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अगर नहीं है, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है दोस्तों क्योंकि ये मेरा डेमो यूज़र चल रहा है। यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आता है, उसको आपको ऑन रखना है, अदरवाइज आपका ऑटोमेटिक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल यहाँ पर आपका वो ई मेल आई डी लॉग इन होना चाहिए। ओके, सेटअप रिस्टोर पे क्लिक करके देखिए, सेटअप योर वर्क प्रोफाइल, सेटअप नियर बाय डिवाइस, रिस्टोर कॉन्टैक्ट्स, ये सब आ जाएगा, कॉन्टैक्ट्स बिस्टैक्स। ओके, अभी फ़ोटोज़ में क्या करना है, आपके ओल्ड फ़ोन के फ़ोटोज़ है तो गूगल का एक दोस्तों फ़ोटो करके एक एप्लीकेशन आता है, इसमें देखिए फ़ोटो प्ले स्टोर में जाके फ़ोटोज़ डालिए, हर एक फ़ोन में रहता है ये, तो ये देखिए फ़ोटोज़, ये वाला गूगल फ़ोटो, गूगल का एप्लीकेशन है, इसको ऑन कीजिए, ओपन कीजिए, आपके फ़ोन में रहेगा और आपके फ़ोन में जो भी बैकअप्स है ये वही ईमेल आईडी आप सिलेक्ट कीजिए जो वहाँ पे किया था, तो यहाँ पे वही ईमेल आईडी सिलेक्ट होना चाहिए और आपका फ़ोटो सेटिंग फ्री स्पेस बैकअप आपका ये ऑन होना चाहिए। ये मेरा ऑफ है, आपको टर्न ऑन करना है, यहाँ से मैं ऑन नहीं करूँगा, आप कीजिए, तो आपका फ़ोटो का भी उस ईमेल आईडी में चला जाएगा और नए फ़ोन में आपको यही ईमेल आईडी गूगल फ़ोटो में डाउनलोड करके डालना है तो वो बैकअप सब आ जाएंगे। ठीक है, गूगल कॉन्टैक्ट्स के लिए भी दोस्तों एक एक एप्लीकेशन है, लेकिन वो जो पहला बैकअप उसमें कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट्स, गूगल कॉन्टैक्ट्स ये हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, आपके फ़ोन में नहीं तो डाउनलोड कीजिए गूगल का ही है, ओपन कीजिए, ओपन करके सेम दोस्तों यहाँ पर वही ई मेल आई डी डालना है, यहाँ पर ऐड करके रखना है वही ई मेल आई डी। ओके, ई मेल आई डी डालने के बाद यहाँ पर थ्री लाइन पर जाना है आपको, सेटिंग में जाना है और यहाँ पर भी वही ई मेल आई डी चाहिए आपको, तो ये ईमेल आईडी फिर से आप नए फ़ोन में डालोगे बैकअप लेके तो वो अपने आप आ जाएंगे, तो फ़ोटोज़ वीडियो सब आ जाएंगे दोस्तों।
तो दोस्तों ऐसे ही आप गूगल अकाउंट बैकअप ले सकते हो आपके नए फ़ोन में। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।